दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की लेटेस्ट भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती है, बिना एग्जाम के आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर इसमें बात की जाए तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 500 से ज्यादा वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 की पूरी जानकारी। जहां दोस्तों इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने का यहां पर अंतिम मौका है। अप्रेंटिस की यहां पर पोस्ट है। ट्रेड की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत ट्रेड है स्टेनोग्राफर, होटल क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट, डिजिटल फोटोग्राफर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हाउसकीपर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और भी अलग अलग ट्रेड है। सभी के लिए 561 वैकेंसीज है। ट्रेड वाइज वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज हम आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। सैलरी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। 10वीं प्लस ITI से आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। अदर्स कैटेगरी के लिए ₹170 आवेदन शुल्क है। ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹70 आवेदन शुल्क है। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू, बिना ओरल टेस्ट के आधार पे। मेरिट से इसमें आपका सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। WCR.IndianRailways.gov.in या फिर MPOnline.gov.in इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 फरवरी 2021 है। एरर करेक्शन की यहाँ पर डेट 28 फरवरी से 2 मार्च 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट IndSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF की टैब दी गई है। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 561 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रेंटिस के लिए। ट्रेड वाइज वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है। 10th+ ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पर 160 वैकेंसीज है। 10th+ ITI ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC WS UR सभी कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ से वैकेंसी चेक कर सकते हो। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए भी 30 वैकेंसीज है। मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पर 5 है। फीटर के लिए 140 है। टर्नर के लिए 5 है। वायरमैन के लिए 15 है। मैसोन के लिए 15 है। कारपेंटर के लिए भी 15 है। पेंटर के लिए 10 है। गार्डनर के लिए 2 है। और साथ साथ फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग के लिए भी 2 वैकेंसीज है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 20 वैकेंसीज है। और साथ साथ हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए भी 5 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी 5 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी 5 वैकेंसीज है। कोपा के लिए 50 है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 7, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 8 है। अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जनरल के लिए 2 है। अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन के लिए 2 है। अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग के लिए 5 है। होटल क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 है। डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1 है। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर के लिए भी 1 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन के लिए 4 है। और साथ साथ क्रिज मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए 1 है। सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। हाउसकीपर के लिए यहाँ पर 7 है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 है। और साथ साथ डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 2 है। तो टोटल 561 वैकेंसीज है। 10th+ITI से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो अभ्यर्थी की आयु सीमा की कंप्लीट जानकारी दी गई है। 15 वर्ष से 24 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1/1/2021 से की जाएगी। 5 साल की छूट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की आयु सीमा में आपको छूट यहां पर दी जाएगी। विकलांग जन के लिए भी यहां पर 10 साल की छूट है। योग्यता की बात की जाए तो 50% अंकों के साथ में 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए या फिर 10+2 शिक्षा पद्धति से इसके बराबर पास होना चाहिए। और साथ साथ दोस्तों यहां पर NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, 10th+ITI से आप अप्लाई
अप्लाई कर सकते हो। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपसे यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए सभी डिटेल्स दी गई है कि कैसे कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल्स पूरी हिंदी में रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन की भी टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करने के बाद में लॉगिन करना होगा और ध्यानपूर्वक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नोट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट के लिंक पर क्लिक करना होगा और यहां से रजिस्ट्रेशन करते हुए सिंपली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसे आप रेलवे की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।